ए आना, सब लोग खाना खा रहे हैं, हम भी तो खाएंगे ना। हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, आजा 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 मेरे साथ। अप्पू जी खाना दो। अप्पू जी नहीं, चलो ना। रुक जाइए प्लीज। सुनो जनक, तुम यहाँ आ जाओ, अप्पू के साथ तुम भी बैठ जाओ, अप्पू को मैं खाना खिला दूँगी। क्यों आप नहीं खाएंगे? अरे खाऊंगी ना। तुम बैठो। गौरव बहू तुम भी यहीं आ जाओ, सबका खाना एक साथ लगा दो, सब लोग मिलकर खाएंगे। आओ अप्पू आओ। आप सब जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए प्लीज, इसके बाद ना नेक्स्ट प्रोग्राम की तैयारी भी करनी है। छोटा तुम भी बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। अवधि मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना। देखो तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और मैं भी। जनक भी आ गई है, थोड़ा सा खा लो। छोटून यहाँ भी जगह है ना, यहाँ बैठ जाइए। क्यों यहाँ बैठना अलाउड नहीं? अब मालिक नौकरों के साथ बैठकर खाना खाएंगे? वो तो वहां अप्पू के लिए बैठ रही है ना, आप सब लोग यहाँ बैठ सकते हैं ना। छोटून यहाँ बैठिए ना, यहाँ जगह है। मैं अगर खाना खाऊंगा तो यहीं खाऊंगा। क्योंकि मैं जनक को उस नजर से नहीं देखता जैसे तुम सब लोग देखते हो। आओ जनक बैठो। चलो क्या लगा रखा है ये सब? दादा आप तो बड़े हैं, अब आइए बैठिए हमारे साथ, सब यहीं बैठे। नहीं शुभम मैं यहीं ठीक हूँ, आप सब शुरू कीजिए। दादा यहाँ सर्व कीजिए। नहीं प्लीज छोटा मुझे नहीं खाना है। खा लो नहीं तो वीक हो जाओगी, फिर तबीयत खराब हो जाएगी और हमारा काम बढ़ेगा। खिलाइए सर। नहीं शुरू से ही तमीज से रहती ना तो आज ये जिल्लत नहीं सहनी पड़ती। इसकी वजह से हमें भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अगर है तो मेरे ही परिवार का हिस्सा ना, इतनी भी समझ नहीं है? जिस घर में अर्शी की शादी होने वाली है उसी घर में उद्धम मचा रही हो तो। और ये सिंदूर, बेशर्मों की तरह सिंदूर लगा के घूम रही हो सबके सामने। पति है कहाँ तुम्हारा? उसका चेहरा तो अभी तक किसी ने नहीं देखा। उसका फोन भी नहीं लगता। अनिरुद्ध तुमने जो नंबर दिया था वो कभी कनेक्ट ही नहीं होता। आंटी वो क्या है ना, जब भी मैं कोशिश करता हूँ उसका फोन स्विच ऑफ ही आता है, पर मैं फिर से कोशिश करूंगा। ट्राई करने की जरूरत नहीं है सृष्टि मासी, वहां से कभी कोई फोन नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? इसका जवाब भी सर जी ही देंगे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।